सुप्रभात बच्चों, आपने ए की मात्रा को सीख लिया है और ए की मात्रा वाले पाठ भी पढ़ लिए हैं। आज हम ए की मात्रा का अभ्यास कार्य करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपने उनके एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। जैसे नेहा और दिवेश किसके घर गए थे? बेला के घर। अगला, बर्फी किस चीज की बनी थी? आप लोगों ने पाठ पढ़ा है, बर्फी किस चीज की बनी थी? बेसन की। इस तरह आपने एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है, बेसन। आगे, केले कौन बेच रहा था? कल हमने पढ़ा था ठेले पर केले बेचने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? महेश। गुरु के साथ कौन जा रहे थे? गुरु के साथ कौन जा रहे थे? उसके चेले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे देखिए, चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाई गई है और कुछ अक्षर भी लिखे हुए हैं, खाली जगह पर हमने अक्षर लिखकर उसको पूरा करना है। जैसे पहली पिक्चर है बेलन की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बे। ल न पहले ही लिखा हुआ है तो ये बन गया बेलन। जलेबी, ज ले बी जलेबी। मेज, मे की आवाज आ रही है, मे ज पहले ही लिखा हुआ है, मेज। रेलगाड़ी, रे ल गाड़ी रेलगाड़ी। आगे देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। इस तरफ एक एक पिक्चर दी हुई है और इस तरफ एक से ज़्यादा है, यानी हमें एक चीज़ से अनेक चीज़ बनानी है, बहुवचन लिखने हैं। जैसे एक है केला, एक से ज़्यादा है तो केले। आगे, खीरा, इसका बहुवचन हो जाएगा खीरे। करेला, करेले, करेला का बहुवचन करेले। पेड़ा, पेड़े। एक बात और बच्चों, अड़ और ड में फर्क होता है। अड़े में हम नीचे बिंदी लगाते हैं और ड इस प्रकार लिखा जाता है, इसके नीचे हम बिंदी नहीं लगाते, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आखिरी है ठेला, इसका बहुवचन हो गया ठेले। तो आपका आज का होमवर्क यही है, सभी बच्चों ने ये सारा कार्य अपनी हिंदी की बुक पर करना है और मुझे सेंड करना है। धन्यवाद।